हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं डिवेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 5300, फर्स्ट सपोर्ट 5350, सेकंड सपोर्ट 5445 एंड रेजिस्टेंस हाँ एंड थर्ड रेजिस्टेंस 5495 and the first support 5205, second support 5155 and the second third support 5060। तो अब देख सकते हैं ये डेली क्रूड ऑयल। तो मैंने क्रूड ऑयल का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी डाला था यहाँ पे रेंज निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक डेली में तो आपको देखता है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा रिमूव करके देता हूँ। तो एक्चुअल जो रेंज, ये हमें रेंज मिला हुआ है क्रूड ऑयल का, तो ट्रेडिंग करना है तो इसमें ही करना है। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ, डेली चार्ट में तो अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा बहुत करेक्शन दे रहा है। तो इसके लिए मार्केट कहाँ तक आ सकता है तो उसका ऊपर हम आज बात करेंगे। तो जैसे अगर मैंने 4 आवर में देखा तो 4 आवर में आप देख सकते हैं ये क्या हमें एक रेंज मिला। सो ये लोअर पॉइंट भी, लोअर फर्स्ट यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन मिला जिसे 5205 में। तो यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ है और पहले देख सकता है यह लोअर पॉइंट है तो यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन यह स्टॉक स्टिक तो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो फिर हम देखना पड़ेगा। तो अगर हम 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में थोड़ा करेक्शन देना देने के लिए कोई इंडिकेटिंग कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करना, ट्रेडिंग करने से पहले हमें पहले ये चीज को देख लेना चाहिए कि आइदर ये तोड़ पाएगा क्या नहीं पाएगा या 5307 रेंज तक। अगर हमें ट्रेड करना है तो इसका आसपास ही ट्रेड करना है, आइदर बाय और सेल। तो बाय करना है तो ऊपर में करना चाहिए जैसे 5307 का आसपास, और सेल करना है तो इसका नीचे में सेल करना, जिस 5307 का नीचे में सेल करना चाहिए। और जब हमें इंडिकेटर मिले तो 5 मिनट में आप देखेंगे तो टोटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है 5 मिनट में। तो थोड़ा बहुत तो गैप अप ओपन हुआ है आज मार्केट, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना चाहिए अराउंड 5307 तक जो रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ से अगर आपको सेल का कोई सिग्नल मिले तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो इसका ऊपर कोई बाय सिग्नल मिले तो क्रॉस करके प्राइस अगर 5307 का ऊपर में अगर प्राइस क्लोज हुआ तो वहाँ से आप थोड़ा बाइस जा सकता है, कहाँ तक 200 मूविंग एवरेज के आसपास। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।